बीटेट अभ्यर्थियों का लगातार धरना जारी है। आज धरना का दूसरा दिन था, लेकिन एक तरफ से एक पॉजिटिव रिजल्ट मानिए, पॉजिटिव खुशखबरी मानिए कि शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान जारी किया गया, यानी जो पहले बयान दिए थे वो गलती सुधारते हुए एक बयान जारी करते हैं कि बीटेट जो परीक्षा है वो 7th फेज के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। संभवतः इसमें आपको संभवतः इसलिए बता रहे हैं कि इन लोगों का मांग है कि 7th फेज से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हो, लेकिन शिक्षा मंत्री बोले हैं कि संभवतः 7th फेज से बाद 7th फेज के बाद कंडक्ट होगा एग्ज़ाम। चलिए आइए बात करते हैं अभी मेरे बीटेक अभ्यर्थी के उपाध्यक्ष अमित आनंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान जारी किया गया जिसमें बोल रहे हैं कि 7th फेज के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें किस इस बार क्या प्रतिक्रिया है? बस इस पर मेरी यही प्रतिक्रिया है, सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि सरकार धीरे धीरे पर डे रात में कभी कभी दोपहर में अपने बयान को धीरे धीरे पर समय चेंज करते आ रही है। एक सप्ताह के अंदर 3 बार हो गया, एक तो एक सप्ताह नहीं दो दिन के अंदर लेटर जारी किया जाता है, फिर पेपर में निकाला जाता है कि हम लोग नहीं लेंगे। एक मिनट, हम लोग को आंदोलन का परमिशन मिला उसी दिन रवि प्रकाश सर का एक बयान आया, फिर अगले ही दिन हम लोग आंदोलन पे बैठे, उसके अगले दिन फिर माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 7th फेज प्रक्रिया से समाप्त होने के बाद हम इस पर विचार करेंगे, संभवतः हम बीटेट लें। तो धीरे धीरे उनका बयान बदलते आ रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की लहर है हमारे साथियों में, और आशा करते हैं कि हम लोग थोड़ा दिन कुछ और यहाँ मेहनत कर लें तो हम लोग को सफलता यहाँ मिल जाएगी। वही चीज़ कर रहे हैं हमारे साथियों, अगर यहाँ कुछ और मेहनत कर दें तो हम लोग को सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। पहले किसके दबाव में ऐसा हुआ था? मंत्री जी का अलग बयान आता है, शिक्षा विभाग का अलग बयान आता है, आखिर चल क्या रहा है? दोनों में चल रहा है, कुछ तो मिली भगत थे, जैसा कि अनुमान लगा सकते हैं हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं शायद 7th फेज के साथी वो बराबर वहाँ भी दबाव बना रहे हैं, सचिवालय में दबाव बना रहे हैं, यहाँ भी हम लोग पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन विभाग में आखिर चल क्या रहा है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द जो लोग पटना नहीं पहुंचे हैं पटना पहुंचने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा संख्या में हम लोग रहेंगे सरकार उतनी जल्दी झुकेगी और हम लोग सफल होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सरकार डर गया, चूंकि एक और दो स्टूडेंट नहीं है पिछले 5 वर्षों से नहीं हुआ है बीटेट, बीएड के बैठे हुए हैं, अर्थात हम लोग यहाँ 4 लाख अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग सरकार से अपनी मांग लेकर रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी पटना नहीं पहुँच पाए हैं जल्द से जल्द पटना पहुँचने की कोशिश करें, हम यही आग्रह सबसे करते हैं ताकि जितना ज्यादा लोग पटना पहुँचेंगे सरकार झुकेगी और हम लोग सफल होंगे। थोड़ा सा खुशी तो लहर होगा, खुशी तो मिल रहा है। शिक्षा मंत्री साहब बोले कि संभवतः हम करेंगे, और ये हम उनसे माननीय शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि करेंगे नहीं बाद में नहीं, ये चीज 7वें चरण से पहले होना चाहिए और आप कीजिए, और ये हमारी मांग सही है और आप इसको देने की कृपा करें। एक सवाल, हाँ, अगर 7वें चरण के बाद अगर नोटिफिकेशन जारी करते हैं बाय डेट तो मानिए कि नहीं? 7वें चरण से पहले हम लोग की मांग है कि बीटेट होना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। 5 साल नहीं, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, 7वें चरण से पहले चाह रहे हैं और ये हमारी मांग है और ये मेरा अधिकार भी है, इसलिए 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो और सभी हम लोग मिलकर हम चाह रहे हैं और ये होना चाहिए। संघर्ष जारी रहेगा, हाँ संघर्ष हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। वाटरप्रूफ तो बन गया है, वाटरप्रूफ बन गया है, मानसून भी आगमन हो गया पटना, हाँ 16 जून से, ऐसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यदि आप देखिएगा तो 16 जून से बारिश शुरू हो जाती है भारतवर्ष में, तो यहाँ पर भी होगी, फिर भी हम लोग जारी रखेंगे, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग लगातार, हाँ हम लोग बारिश हो सूखा हो गर्मी हो कुछ भी नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन करवाना पड़ेगा सरकार को और हम लोग झुकेंगे नहीं। थोड़ा सा तो राहत मिला है, कम से कम सर मंत्री तो अपने बयान से पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? बीटेट का जो शिक्षा मंत्री का बयान आया हुआ है कि बाद में लेंगे, बाद में कब लेंगे, जब बहाली पहले ले रहे हैं, पहले तो बोलते थे कि लेवल नहीं करेंगे। नहीं बहाली तो एक मिनट, जब बोले बहाली, अरे एक बात, टीचर का बहाली पहले दीजिएगा, पात्रता परीक्षा बाद में लीजिएगा, तो मतलब हम लोग पास करके क्या करेंगे, डिग्री लटकाएंगे गला में लेके घूमेंगे? घूमेंगे नहीं ना, आप पहले योग्य शिक्षक ढूंढ लीजिए उसके बाद बहाली ले लीजिए, पहले आपके पास योग्य शिक्षक नहीं है और उसके बाद बहाली ले रहे हैं, आप बीटेट का एग्जाम पहले कंडक्ट करवाइए उसके बाद बहाली लीजिए। जैसे
बीटेड जैसे आपके पास सीट खाली चले जाता है, आपके पास योग शिक्षक नहीं है, आपके छठे चरण में जो है आपका सीट खाली चले गया, आपके पास योग शिक्षक नहीं था तब ना खाली चले गया, जब तक आप प्रतियोगिता बीटेड का आयोजन नहीं करवाइएगा तो आप आपके फिर खाली चले जाएगा। मेरा यही कहना है कि सेवन्थ फेज से पहले बीटेड का आयोजन हो, क्योंकि विगत वर्षों में सिक्स फेज से पहले 2017 में बीटेट का आयोजन हुआ था, उसके बाद 19 में बाली आई थी, उससे पहले भी जो टीचर की बाली हुई है उससे पहले भी बीटेट का आयोजन हुआ था, उसके बाद टीचर की बाली होता है। ये हम लोग अभ्यर्थी के साथ ना इनसे पाई क्यों है, हम लोग के साथ तो अन्याय हो रहा है। पहले आप बीटेट का आयोजन करवाइए, उसके बाद बाली लीजिए, ताकि आपके पास योग्य शिक्षक मिल सके, नहीं तो फिर सीट खाली आपकी चले जाएगी, तब आप डंका पीटते रहिए कि मेरे पास योग शिक्षक मतलब कैंडिडेट ही नहीं है, योग कैंडिडेट कैसे होगा। क्या बोले आप? देखिए सर, मंत्री जी तो अपने ही बयान में घिरे जा रहे हैं। अच्छा, पहले दूसरा बयान आप फिर हाँ, अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे घिर रहे हैं। उन्होंने बोला था सिक्स फेज के बारे में, जब उनको मीडिया भाई ने ही बंधु ने ही पूछा था कि 50,000 अप्रोक्स का सीट खाली रह गया सर, इसके पीछे रीजन क्या है, तो उन्होंने बयान दिया था, ऑन रिकॉर्ड होगा ये अगर हम गलत बोल रहे हो तो, उन्होंने बोला था कि ये योग शिक्षक ना मिलने के कारण यह सीट खाली चला गया। ठीक है, हम चलिए उस बात को मान लिए। आज की बयान उठा लीजिए, आज मंत्री साहब बोले हैं कि 11 में पास है, 17 में पास है, पहले उसको देखते हैं। जब सर आपको उसको ही देखना है, उसको हिलाना है, उसमें 40% 45% वाले होंगे, 50% वाले होंगे, 55% वाले होंगे, ऊपर से आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो कहाँ गुणवत्ता, कहाँ 50% 45% कहाँ से गुणवत्ता आ पाएगा। ठीक है सर, तो आप देखिए अभी आपके पास गुणवत्ता के पूर्ण शिक्षक नहीं है, इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए और बिहार में बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराइए, बहाली लाइए। आप सरकार है, हमारे चुने हुए सरकार है, हम आपसे मांग करते हैं, आपको ना सबको सुनने, पूरे बिहार वर्ष के अभ्यर्थियों को सुनना आपका काम है। और अगर आप इससे पहले बीटेट करवाते हैं, इससे आपको डबल फायदा होगा कि जो पूरे बिहार के अभ्यर्थी जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं वो अगेंस्ट ना जाके आपके साथ आएंगे। और परीक्षा लीजिए, बहाली हो, बहाली में वो गुणवत्तापूर्ण रूप से वो आ पाते हैं नहीं आ पाते ये तो दूसरी बात है, उनके योग्यता पर निर्भर करता है, लेकिन आप उस हाँ लेकिन परीक्षा होनी चाहिए, उस रेस में उसको लेके खड़ा तो कीजिए। चलिए, तो अभी शिक्षा मंत्री के जो बयान आया है उससे थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जो बीटेट अभ्यर्थी में है कहीं ना कहीं रोषपूर्ण है। उनका साफ साफ कहना है कि बीटेट जो एग्ज़ाम है सेवन्थ फेज के पहले होना चाहिए। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 22 टुडे के साथ।